और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना रोल अदा करूँ, उससे पहले मैं अनुरोध करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय जी से कि वो पहले अपनी तरफ से जो आगे की प्रक्रिया उसको बढ़ाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सभी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज इस पवित्र धरा के ऊपर फेडरेशन ऑफ वेटर एसोसिएशन से जुड़े हुए लगभग 150 से ज्यादा पूर्व सैनिक संगठनों के डेलीगेट्स प्रेसिडेंट्स यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। ये फेडरेशन ऑफ वेटर एसोसिएशन के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम उस जमीन पर आज हाजिर हैं जिसको दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, और जिस धरा पर स्वर्ग में रहने का एहसास पिलाने वाले हमारे साथी हों उसका नमूना आप सुबह से देख रहे हैं। कितने शानदार तरीके से यह आयोजन किया जा रहा है, कितना मिठास है वातावरण के अंदर, और इसकी शुरुआत जो करी है उन वीर शहीदों को याद करते हुए, उन वीर माताओं बहनों को सम्मानित करते हुए जिन्होंने इस राष्ट्र की खातिर अपना सिंदूर देश को दिया है, जोरदार तालियों के साथ में इनका भव्य स्वागत किया जाए। जितना भी हम इनके लिए कर सकते हैं वो कम ही रहेगा। थैंक यू। आज का इस मीटिंग का अपन विधिवत शुभारंभ करेंगे। हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय नवीन तलवार साहब ने बताया कि मुझे जो एजेंडा पॉइंट्स वगैरह थे इसकी जानकारी नहीं है और मैंने लिया नहीं है, तो ये सही कह रहे हैं। ये इसके लिए 31 अगस्त को, उसके बाद में कपिल जी जो हमारे प्रचार के मीडिया के प्रभारी रहे उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। पॉइंट्स का मामला आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत अकाउंट्स का जानकार होना जरूरी होता है, और सबसे बातचीत करके प्रचार के लिए पीके सैनी जी जो बैंकर भी हैं उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई। दूसरे पॉइंट्स में लीगल एडवाइजर के लिए गोसल साहब इस फेडरेशन के गठन से लेकर के लगातार साथ चल रहे थे, उनको लीगल एडवाइजर रखा गया। आप जानते हैं कि हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान का जिम्मा उठाया, और हिंदुस्तान का जिम्मा आगे 1,000-2,000 लोगों के लिए नहीं बल्कि जो लाखों पूर्व सैनिक और बीमारियां हैं उनके लिए आंदोलन चलाना, मांगे रखना, गवर्नमेंट से नेगोशिएट करना, उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है, लीगल एडवाइजर का बहुत होना जरूरी था। एंड आई थैंकफुल टू एडवोकेट बीपी वैष्णव दैट ही हैज एक्सेप्टेड आवर दिस रिक्वेस्ट एंड इज डूइंग द लीगल एडवाइजर। आखिर के अंदर प्रवक्ता भी चाहिए होता है, मैं कुछ बोल दूं, आप कुछ बोल दें, तीसरा चौथा कुछ बोल दे, और वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये फेडरेशन बोल रहा है या एक्स वाई जेड बोल रहा है। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने नेशनल स्पोक्समैन की जगह पे कैप्टन लोकेंद्र साहब को नामित किया, और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। लास्ट में फोर्स करते करते जो किसी भी संगठन का एक इंपॉर्टेंट और की पर्सन हुआ करता है वो आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो होता है जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी जो कि हमारे दैनिक सराउंडिंग्स में थे, कोई ऐसे साथी में मिल नहीं रहा था, ऐसा नहीं था कि काफी नहीं थे, काफी बहुत सारे थे, लेकिन टाइम देने वाला नहीं था। और क्योंकि नरेंद्र जी इस समय आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे, सारे इनको पता था क्या कुछ चलता है, वहाँ से परमिशन मिलती है, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच किया जाता है। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, इनका ये कहना था कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ आपका संघर्ष कमेटी के साथ में, लेकिन मैंने वहाँ भी पद नहीं लिया, तो मैं चाहूँगा कि पद ना लूँ। साथियों, उस स्टेज पे आकर के अगर मैं भी ये कह के चला जाता कि मैं भी पद ना लूँ, तो शायद हम उस दिन वाले 100 संगठन के साथ में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लाखों पूर्व सैनिकों के साथ में अन्याय कर रहे होते। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया इनसे, इन्होंने कंडीशन रखा कि मैं हमारे भाई हरपाल से परमिशन लूंगा। यस लीजिए, वो आपका एसोसिएशन है, डेफिनेटली परमिशन होनी चाहिए। बातचीत हुई और इन्होंने आखिर में अपना सहमति दिया, उसके बाद से ये चल रहा है। बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, सफल इवेंट्स हुए हैं, इसका गवाह आप सब हैं। दिल्ली से लेकर के तहसीलदार का ऑफिस, एसडीएम का ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस, तमाम एमपी भूत हड़ताल, 23 जुलाई का एक ऐतिहासिक पूर्व सैनिकों का रैली दिल्ली के अंदर, ये सब आपके सहयोग से सफल हुआ, और उन सबके पीछे रणनीति बनाने वाली यही एक ही गुटी 6 आदमियों की थी, उसको समर्थन पाने वाले फाउंडर मेंबर्स का, और उन सबको हमने अप्रूव कराया 16 जुलाई 2023 को जयपुर की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के अंदर। चला बहुत अच्छा चला। अभी
महसूस की गई कि अब यहाँ पे विस्तार हो गया है। लगभग 150 बहुत दिन से बोल रहे हैं अपन, अभी जो थोड़ी देर पहले करते हैं रविंद्र साहब ने लिस्ट पढ़ा 144 एसोसिएशन का लिस्ट था, और अभी आपके सामने आपने देखा है बहुत सारे एसोसिएशन ने अपना समर्थन अपने फेडरेशन को वोट दिया है। आपकी ताकत में बहुत ही ज्यादा, आपकी इस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए, आपका विश्वास कायम रखने के लिए, अगर कहीं पर भी इसके अंदर कोई कदम पीछे हटते हैं, ये संदेश जाता है कि फेडरेशन में कुछ ठीक नहीं है, उसके लिए सबसे पहले बड़ा जिम्मेदार होगा अर्जुन सिंह राठौर। आई टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन ऑफ दिस एसोसिएशन, इट्स माई फ्रेंड ड्यूटी टू एक्सेप्ट इट इफ समथिंग रॉन्ग हैज बीन डन, क्योंकि मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी। दूसरे नंबर पे आएगी मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स, और फिर भी अगर गलत होता है और आप चेक नहीं करते हैं फिर हम सब जिम्मेदार बन जाएंगे। थोड़ा लंबा बोल रहा हूं, परमिशन है मुझे? थैंक यू सर। 23 जुलाई को जयपुर के अंदर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरा आपका 30 पेज का जो बयान बनाया था हम लोगों ने बैठ करके, उसमें हमारे पूरी टीम का साथ था, बिना एक सिंगल आदमी के विरोध किए हुए उस महिलाज को एक्सेप्ट किया था। अगर इट वॉज रिजोल्व दैट दिस महिलाज इज एक्सेप्टेड बाय द फेडरेशन, उसके हिसाब से चलते जा रहे हैं, चला है। आज ये हमारा सेकंड गवर्निंग काउंसिल मीटिंग है। अब चंद्रशेखर जी साहब ने बताया कि मुझे तो बताया नहीं किसने प्यार कर लिया, देखिए इतना बड़ा संगठन है और वो हमारे जिम्मेदार आदमी हैं, इन्होंने क्यों नहीं डिमांड करी एजेंडा पॉइंट मांगने का, इन्होंने क्यों नहीं एजेंडा पॉइंट्स को कंसोलिडेट करके सबमिट किया सबके सामने, इसका बेटर ये जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज जो मैं मानता हूं कि इन्होंने मुझे आज के 2 हफ्ते पहले फोन करके बोला कि मैं आपको साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हम लोग 20 तारीख को संसद का घेराव होने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, इंडिपेंडेंटली कोई भी हमारी एसोसिएशन अलग से कुछ करती है तो हमारा महिला जिसको रोका नहीं है, और ये कंडीशन भी पहले नहीं थी, लेकिन 3 तारीख को जब एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग हुआ उसके अंदर हमारे साथी नलिन जी ने बोला था कि कोई भी ऐसा इवेंट कोई इंडिविजुअल यूनिट करती है तो हमको कम से कम सूचना हो, और उसी के यहाँ पे उन्होंने सूचित किया था। साथ में ये भी बोला था कि कल से मैं इस काम में बिजी रहूंगा, इस काम में संसद के हवाले में। मैंने चलिए बोला था, फिर भी सामने है वो कोई इसमें वो वेरिफिकेशन आवश्यकता नहीं है कि भाई ठीक है आपका जिम्मेदारी है वो आपकी प्राइम यूनिट है, लेकिन ये जो 150 एसोसिएशन का जो अपने बना कर रखा हुआ इसका भी तो कोई मालिक होगा ना। एनीवे जो मैंने जाना चाहिए, अभी मैं अजेंडा पॉइंट्स में आता हूँ। साथियों लगभग 40 पॉइंट आए हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है वर्तमान विधान का अनुमोदन। क्या जो भी हमारा विधान चल रहा है उसको सब एग्री करते हैं? हमारा भाई राज सर ये कोई डिबेट, ये भंटू का डिबेट नहीं है, ये भंटू का डिबेट नहीं है सर। आपको मौका दिया गया था, सबसे पहले माइक आपको दिया गया था, प्लीज या फिर डिस्टिंग्विश गेस्ट बैठे हुए हैं उनका तो ख्याल रखो कम से कम। तो ऐसा है कि ये कोई अगर ऐसे सोच रहे हैं कि 10 आदमी मिलकर हम मंच को ही वो करना है तो ओके देशिव से बहुत देखा तो हम पीछे हो जाते हैं। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए सर, प्लीज बैठिए सर, बैठिए।